अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साबूदाना खीर की रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक कप साबूदाना है, इसे पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर इसके बाद इसे दूध में भिगो के एक घंटे के लिए रख देंगे। ये 1.5 लीटर दूध है, पहले इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ साबूदाना, और साबूदाने को कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाना है। अगर इसे स्टर ना करेंगे तो साबूदाना नीचे से लग जाएंगे, इसलिए इसे स्टर करते हुए पकाना है जब तक के साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब देखिए साबूदाना अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ाफ़रान दूध, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और स्टोव का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 400 ग्राम मिल्क मेड, आप इसकी जगह शुगर भी ऐड कर सकते हो, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिसमें काजू, बादाम और पिस्ते हैं। किशमिश ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खीर में जब तक बॉईल ना आ जाए तब तक के हमें इसे पकाना है। खीर में बॉईल आ गया है, साबूदाना खीर बनके अब रेडी हो गई है। साबूदाना खीर आप गर्म या ठंडी दोनों तरह से सर्व कर सकते हो, लेकिन साबूदाना खीर ज़्यादातर ठंडी ही अच्छी लगती है। आई होप आपको साबूदाने खीर की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।